आपके बुक में दिया हुआ है या नोट्स में दिया हुआ है उतना मजेदार नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिंटर को इसलिए पढ़ना जरूरी क्योंकि दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आना ही है ना। इधर घूम जा, हाँ तकिया वकिया लाया सो भी जा। अरे ऐसे लोग आ गए हैं यार। देखिए प्रिंटर की विधियां, प्रिंटर की दो विधियां बताया मैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, दो प्रकार का प्रिंटर पढ़े। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो कहीं ना कहीं पर चोट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, और जो आवाज नहीं करेगा शांतिपूर्वक, जो कहीं पर चोट नहीं करेगा, वो कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दिया, ये प्रकार देख लो पहले, टाइप्स देखो। तो ये देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के, ये अच्छे से याद लेना चाहिए टेबल। सीधा सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, डायरेक्ट एकदम। तो नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट आवाज होगा कि नहीं होगा इसमें? नहीं होगा, एकदम शांतिपूर्वक रहेगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें एक लेजर प्रिंटर कल बता दिया गया था, लेजर गुजरेगा, जिस जिस को वो पार कर जाएगा उसमें क्या रहेगा, एक ठोक टोनर लगे रहेगा। वो टोनर क्या करता है, स्याही को एक्सेप्ट करता है और धीरे से जब वो घूमता है तो जो जितना रिफ्लेक्ट किए रहेगा सारा का सारा उसमें क्या करता है, इंक चिपक जाता है और आपको क्या मिल जाता है, प्रिंट। ये हो गया लेजर प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर बताया था, बहुत सारे इसमें कार्ट्रेज होते हैं, बहुत 64 ठोक क्या रहते हैं, कार्ट्रेज रहता है। ठीक है, नोजल की सहायता से इसको किसी कागज पर गिराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग या तो अपने को अक्षर छापने तो अक्षर छाप लिए, या तो टेक्स्ट छाप लिए, या तो इमेज छाप लिए। ये किसके बारे में बताया था, ये इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का और प्रकार देखो, ये भी इसी का प्रकार है, पोर्टेबल प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। लेकिन अलग से याद रखना है पोर्टेबल और फोटो प्रिंटर, ये दोनों बचा है बताने में, मल्टीफंक्शन प्रिंटर बचा है। और ये थर्मल प्रिंटर कल बता दिया हूँ, एक खासियत याद रखना थर्मल प्रिंटर में, ना तो इसमें रिबन का जरूरत पड़ता है, ना तो किसी प्रकार का इंक लगता है, ना प्रकार का टोनर लगता है। ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का कागज का यूज किया जाता है। कैसा कागज? वो जो कागज होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक से जैसे जुड़ता है, वो जैसे राड गर्म हुआ, राड क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म जैसे होगा वो कागज की खासियत है कि उसपे जो अक्षर हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छपना चालू हो जाएगा। लेकिन एक चीज खास से याद रखना है, जो थर्मल प्रिंटर है, थर्मल जो ध्यान से याद रखना, थर्मल प्रिंटर होता है ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक एक कैरेक्टर को जो छापे उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर। एक लाइन छापे उसको क्या बोला जाता है, लाइन प्रिंटर। और अगर एक पूरा का पूरा पेज छाप दे उसको क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर। ये अच्छे से याद रखना, आपको पूछेगा इनमें से कौन सा एक लाइन प्रिंटर है, इनमें से कौन सा एक पेज प्रिंटर है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, तो ये कैसा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर। कैसा है, एक एक कैरेक्टर। ठीक, अब ये हो गया नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट इसका सीधा सीधा मतलब रखना, जिसमें आवाज नहीं होता, स्मूथली ये काम करता है, उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा मतलब ये देखो इम्पैक्ट कैसे डालेगा, इम्पैक्ट कैसे डालेगा, ये देखो ये तरीके हैं इम्पैक्ट डालने के। एक सिंगल स्पोक होगा, पहले ध्यान देखो, कुछ कुछ में ये देखो इसमें दिख रहा है बहुत सारा, ये डेजी व्हील। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, स्पोक, इसी को इसी के ऊपर में ऐसा, इसी के ऊपर में ऐसा हथौड़े टाइप का हैमर बना रहेगा ऐसा। इसमें जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आर, उधर लिखा है आर, यही जाके क्या करता है, ये पेपर में टच करेगा और इस पेपर में जहां पर मारेगा वहां क्या छप जाएगा। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इनमें से देखो ये, देखो ये यही व्हील होता है, यही जैसे अपना टाइपराइटर हुआ करता था ना, सेम वैसे ही। तो इसको क्या बोला जाता है, हेड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है, देखो सॉलिड फाउंड, इसी को क्या बोला जाता है, सॉलिड फाउंड। ये इसी को, ये जो स्पोक है ये पूरा पूरा का पूरा पूरा स्पोक क्या कहलाता है, लास्ट में जो सॉलिड फाउंड को जोड़ दोगे तो हैमर,
क्या कहलाएगा, हैमर। यही कहीं पर कनेक्ट होगा, चाहे ऐसा हो, एक दो और बताएंगे। ये सारा का करेगा, चोट करेगा, और चोट करने के बाद क्या छपेगा, अक्षर छपेगा। तो ये किस प्रकार का प्रिंटर हो रहा है, ये भी एक एक वर्ड छाप रहा है, तो कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये इनमें याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीजे व्हील। देखो एक होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है प्रिंटर। लाइन प्रिंटर अभी दो तीन प्रकार का बताऊंगा। लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है ड्रम, ड्रम चैन और बैंड। डॉट मैट्रिक्स और डीजे व्हील ये होते हैं कैसे, कैरेक्टर प्रिंटर, ऐसे होते हैं कैरेक्टर। लेकिन ये जो ड्रम चैन और बैंड ये लाइन प्रिंटर हैं, आगे बताते जाऊंगा समझ में आते जाएगा। अब देखो जहां तक हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये लेजर प्रिंटर बता दिया हूं, ठीक है, ये एक बार इसको देख ले रहो। थर्मल प्रिंटर में किसी भी प्रकार का आपको ना तो इंक का जरूरत होता है, ना तो रिबिन का जरूरत होगा, और ना किसी प्रकार का स्याही लगेगा, ना तो किसी भी प्रकार का आपको क्या लगता है, देखो ना तो इंक लगेगा, ना टोनर, ना रिबन, इनमें किसी चीज का खर्चा नहीं करना पड़ता। केवल का याद रखना है पेपर, पेपर की क्वालिटी होती है, जो सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर को लेकर वहां पर एक एक क्या कर देता है छाप। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह समय के साथ इसमें ताप, ठीक है, हाइट, एटमॉस्फियर, इनका इफेक्ट पड़ता है, और जो आप छापे रहते हो वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, और धीरे धीरे तो खत्म ही। इसका याद रखना, आपका जो प्रिंट आउट लिए हो या ये जो प्रिंट देता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, जाता है वो ब्लर होते जाता है, धीरे से तो गायब भी हो जाता है। ये अपने को यहां से चालू करना है, क्योंकि ये नहीं पढ़े थे। नाम क्या इसका, फोटो प्रिंटर। क्या इसका नाम, फोटो प्रिंटर। अब ध्यान से देखो, फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छाप देता है, ठीक है। जो भी अपने को छापना है उसको कैसे देगा, ये फोटो के लिए ही काम आएगा, इसलिए नाम क्या इसका, फोटो प्रिंटर, ठीक है। इसको डॉक्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्रिंटर्स के पास काफी बड़ी संख्या में नोजल्स होते हैं, अलग अलग कलर के कई सारे नोजल होंगे इसके पास, सारे नोजल होते हैं, ठीक। देखिए, जो अच्छे क्वालिटी के इमेज के लिए बहुत अच्छी स्याही की बूंदें छाप देता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इमेज के लिए इसका, फोटो, फोटो के लिए किसका यूज करोगे, फोटो प्रिंटर का। अच्छा फोटो चाहिए तो काय का यूज करेंगे अपन, फोटो प्रिंटर का। देखो कुछ फोटो प्रिंटर मीडिया कार्ड रीडर, ये मीडिया कार्ड रीडर इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, मीडिया कार्ड रीडर। अगर ये है किसी फोटो प्रिंटर में, क्या लगा हुआ है, मीडिया कार्ड रीडर लगा है, तो उस आपको कंप्यूटर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, बिना कंप्यूटर का यूज किए आप उससे फोटो निकाल सकते, लेकिन बहुत अधिक साइज का नहीं, छोटे छोटे साइज का आप मीडिया कार्ड रीडर अगर उसमें लगा हुआ है तो बिना कंप्यूटर की सहायता से भी आप उसका क्या ले सकते हो, फोटो। देखो क्या बोलता है, कुछ फोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं, ये 4x6 फोटो को सीधे डिजिटल कैमरे से मीडिया कार्ड के बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। मीडिया कार्ड से किसे, मीडिया कार्ड से बिना कंप्यूटर के क्या कर सकता है, वो प्रिंट कर सकता है। ये होता है मीडिया कार्ड रीडर। इसके लिए आपको किसका जरूरत नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सीधा आप क्या ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। देखो इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दोनों की क्वालिटी इसमें मौजूद होती है, इंकजेट का भी और लेजर प्रिंटर दोनों की क्वालिटी इसमें क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। इसमें ना और बहुत अच्छा रंगीन रंगीन बनाने के लिए फोटो को कुछ कलर, अतिरिक्त कलर का यूज करते हैं, जैसे सियान, एक कलर होता है सियान, ठीक। और देखो कौन कौन सा कलर है, एक सियान का यूज करेगा, हल्का मेजेंडा,
कौन सा कलर? मेजेंडा कलर का, ज्यादा ही बड़ा हो गया, हल्का मेजेंडा और काले रंग के रंगीन कार्टेज होते हैं। ये अतिरिक्त रंगीन कार्टेज की सहायता से अधिक रोचक, इंटरेस्टिंग और एक्चुअल रियलिस्टिक फोटो क्या कर सकता है, दे सकता है। इसके लिए तीन अलग कार्टेज होगा, एक सियान का होगा, एक किसका होगा मेजेंडा कलर का, और एक किसका होगा हल्का सा काले रंग का, ब्लैक कलर का। ये है तेरा क्या फोटो प्रिंटर। दूसरे बात इसके बाद याद रखना है, मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर, नाम से स्पष्ट है, सारा का सारा खूबी किसमें होगा, एक ही प्रिंटर में, तब नाम क्या उसका, ऑल इन वन। ठीक, ऑल इन वन ये क्या करता है, ऑल इन वन प्रिंटर मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। इसमें इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे प्रिंटर, प्रिंटर का भी काम करेगा, ये तो प्रिंटर है ही, स्कैनर का भी काम करेगा, किसका काम करेगा, स्कैनर का भी काम करेगा, साथ में फोटोकॉपी, देखे हो फोटोकॉपियर के, उसका भी काम करेगा, और फैक्स जानते हो का भी काम करेगा। एक ही चीज में सारा का सारा यूज हो रहा है, इसलिए नाम क्या है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर या ऑल इन वन प्रिंटर, सारा का सारा चीज एक ही प्रिंटर में है। अब मेरे को ये बताओ, चश्मा, एक अपने पास स्कैनर है, ठीक है, मान लीजिए अपने पास डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स बोलता हूं, इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर का इमेज देना, इमेज के लिए उसका यूज करते हैं, उससे इमेज लेंगे और इससे इमेज लेंगे, किससे इमेज ज्यादा अच्छा आएगा, उसका एक फोटो और इसका एक फोटो, किससे फोटो ज्यादा अच्छा आएगा, किससे, अरे कुछ भी मानना, तुक्के ही तो मानना भी, इससे ना, हाँ क्योंकि अभी ये इसी पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादा अच्छा आएगा। अरे भैया, एक विशेष पर्पस के लिए जिसको बनाए गए हैं वो अच्छा काम करेगा, कि जो सब काम कर रहा है वो ज्यादा अच्छा करेगा। एक देख, एक परमानेंट बॉलर अच्छा बॉलिंग करेगा कि एक ऑलराउंडर अच्छा बॉलिंग करेगा, परमानेंट बॉलर अच्छा काम बॉलिंग करेगा, सीधी सी बात है ना भाई, एक ऑलराउंडर को इसलिए रखे हैं कि बॉलिंग के साथ साथ वो क्या कर लेता है, ये वही ऑलराउंडर है, ऑल इन वन। तो परमानेंट के लिए जो चीज बना रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान देना बस। मल्टी फंक्शनल घरेलू कार्यालय होम ऑफिस में बहुत लोकप्रिय होता है, इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर का उपयोग होता है, ये जहां नाम आया मीडिया कार्ड रीडर, इसका मतलब क्या होता है, बिना कंप्यूटर के यूज किए आप क्या ले सकते हो, कुछ इमेज को क्या कर सकते हो, ये देखो डिजिटल कैमरे से डायरेक्ट, इसके मदद से डिजिटल कैमरे से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे क्या ले सकते हैं अपन, इमेज। ये किसका काम, मेन मीडिया कार्ड रीडर का। इसकी विशेषताएं देखो, कीमत कम होती है, ऐसे मत बोलना कीमत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक प्रिंटर लेगा, स्कैनर लेगा, एक फोटोकॉपी मशीन का, एक तो तू क्या बोले, अरे क्या नाम है इसका, जैसे अपन ये क्या लिए, ये तुम्हारा फोटोकॉपी स्कैनर प्रिंटर फैक्स, तो ये इन सब के बदले अगर सब मशीन लेने से ज्यादा अच्छा एक तो यही काम कर दे रहा है। अगर चारों मशीन लोगे और इसको एक तो लोगे तब सस्ता ये, लेकिन ये पर्सनल मशीन लोगे तो ये महंगा है उनसे, चारों अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा है एक तो ले लो, क्लियर। चलिए, इसकी कमी ये है कि अगर इसका कोई भी एक पार्ट टू तो ये पूरा का पूरा मशीन बदलना पड़ता है, उसको अलग से ले जाके चिपका दिए ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ मोटर वोटर खराब हो गया, उसका टोनर खराब हो गया, लगा दिया, ऐसा नहीं। अगर ये कुछ टूट फूट हुआ तो पूरा का पूरा मशीन को क्या करना पड़ता है, इसमें बदलना पड़ जाता है, ये इसकी खराबी है, डिसएडवांटेज, ठीक। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उनके अपेक्षा क्या होती है, कम होगी, लेकिन सारा काम एक ही से हो जाता है, इसलिए अच्छा है, ओके। चलिए, ये है पोर्टेबल प्रिंटर, नाम से स्पष्ट है, कैसा प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, क्या करता होगा, तो इसको लेकर कहीं भी घूम सकते हो, इसकी खासियत यही है, इसको हाथ में पकड़ के कहीं भी घूम सकते हो, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करिए, तुरंत क्या दे दीजिए, फोटो,
ये फोटो प्रिंटर का ही एक छोटा वर्जन है, और फोटो प्रिंटर हो चाहे पोर्टेबल प्रिंटर हो, दोनों के दोनों इंकजेट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों किसके उदाहरण है? इंकजेट के। अब देखिए, फोटो प्रिंटर छोटे और कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा, लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने के, घूमते घूमते चलते चलते तो फोटो निकाल ले, यात्रा के दौरान आपको क्या देता है? प्रिंट निकालने की अनुमति देता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन का एकदम छोटा छोटा सामान लगा रहता है, नाम ही है कॉम्पैक्ट, तो छोटे छोटे सामान लगने के वजह से इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा ये कैसा होता है? महंगा होता है। इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल प्रिंटर की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसकी ये है, अब कोई जगदलपुर जा रहा है, साथ में धर के चल दिया, वहीं फोटो भाई पैसा वैसा खत्म हो गया, फोटो कापी बेचना चालू, आ भैया दो तो फोटो लिया, इतना महंगा मोबाइल में ये ले, दे 50, एक जन को दिया और 50, उसके बाद सीधा सेल्फी, ठीक है। तो ये आप लेकर कहीं भी जा सकते हैं, इसकी प्रिंटिंग की गति अपेक्षाकृत सामान्यता प्रिंटर से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कब करेगा ऐसा इस्तेमाल? जब उसके साथ क्या लगा होगा? अगर बिना कंप्यूटर के डायरेक्ट फोटो निकालना है, मतलब उसमें क्या लगा होगा प्रिंटर में? मीडिया कार्ड। क्या लगा होगा भैया? मीडिया कार्ड। बिना मीडिया कार्ड के डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। 3 बार बोल दिया मीडिया कार्ड। किसका यूज करते हैं? मीडिया कार्ड का, ठीक है। इसलिए इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर कहते हैं। ये जितने भी लेके घूमते हैं मार्केट में बेचारे लोग, आओ भैया फोटो खिंचा लो 30 रुपया में, 30 रुपया में एक कॉपी, ये वही है पोर्टेबल। तो चाहे आपका फोटो प्रिंटर हो चाहे पोर्टेबल प्रिंटर हो, दोनों इंकजेट के उदाहरण है। आपका किसका? इंकजेट के। आए खिदे, मैं भेज दूंगा, सबसे अच्छा है ना। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ने से पहले इसको देख लो, उसके बाद समझ में आएगा। ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। क्या होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? ये ना बहुत सारे पिनों का एक गुच्छा होता है, इसमें हैमर के जगह क्या लगे रहेगा? पिन। उसमें हैमर मारता था ठपाक से और प्रिंट हो जाता था। इसमें बहुत सारे पिन लगे होंगे। क्या लगे होंगे? बहुत सारे पिन लगे होंगे। ये पिन एक रिबन पर, रिबन पर पड़ेगा, और वो उस रिबन में इस पिन के द्वारा क्या किया जाता है? ये देखो अंदर ऑलरेडी इसमें होल रहेंगे, ये पिन रिबन में क्या करेगा? होल करेगा। जो चाहिए रहेगा, जैसे मेरे को सी लिखना है तो ये ऐसे, कोई जरूरी नहीं है कि ये सी एक ही बार में लिखा जाए, हो सकता है ये ऊपर फिर ऐसे एक पूरा जाते तक में लिखा है। एक को जैसे इसमें सी लिखना है, इसमें ए लिखना है, उसमें तो ये सी का ऊपर वाला इतना, ए का ऊपर वाला, हो सकता है ये जाते जाते में लिखा है, आगे गया तो ये पड़ेगा, ये पड़ेगा ऐसा, तो ये डॉट 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 बना देता है। ये है पिन। ये क्या दिख रहा है? पिन। ये पिन किस पर पड़ता है? रिबन पर। किस पे पड़ता है? रिबन पर। रिबन से कागज पे क्या पड़ता है? डॉट। ये देखो कागज है, इस पे डॉट पड़ा है, ये देखो सी लिखा है, ये कागज पर क्या लिखा है? डॉट डॉट डॉट, ऐसा डॉट पड़ेगा, ठीक है। देख लिया मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? अब देखो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये जान लेना।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैसा प्रिंटर है, पहला बात तो ये देखो, इसमें प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड में अनेक क्या होते हैं, पिन। प्रिंटिंग हेड में क्या होता है, जो ठोकता है रे उसी को हेड बोलते हैं, जो ठोकता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। उसमें बहुत सारे अनेक पिन होते हैं, पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में समझ लीजिए एकदम गुच्छा जाल, ठीक है, ट्रैप जाल मैट्रिक्स होता है। और प्रत्येक पिन में रिबन पर स्पर्श, ठीक है, स्ट्रिक के कागज पर एक डाट छपता है। प्रत्येक पिन के रिबन पर स्पर्श करने से, जैसे वो पिन रिबन पर टच करेगा, जैसे एक पिन टच करेगा मतलब एक डॉट बनेगा, एक पिन टच करेगा मतलब कितना डॉट बनेगा, एक डॉट बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे डाट, अनेक डाट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रिंटर है, पहला बात तो ये याद रखना ढंग से, किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ये एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। प्रिंटिंग हेड में जो सात, देखो इसका यही फंक्शन में आएगा, 9, 14, 18, 24 पिनों का वर्टिकल ग्रुप होता है, 7 का या तो 9 का या 14 का या 18 का या 24 पिनों का वर्टिकल क्या होता है, एक ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिने प्रिंटिंग हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती है। एक बार में एक कॉलम की पिन प्रिंटिंग हेड से बाहर निकलकर डॉट छापता है। जैसे ये एक बार आया, एक बार आया, ठीक है, एक बार आया तो अपना जितना काम है उतना काम, एक बार एक काम को चल करके चल देगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो बनाना है उसको अगला फिर बनाएगा, जो बनाना है उसको फिर बनाएगा, ऐसे। और कोई जरूरी नहीं है, ये इसका एक खासियत ये है, एक बार इस डायरेक्शन में गया है तो अगले बार ऐसे भी छापते आ जाएगा। ये राइट टू लेफ्ट भी जाता है, लेफ्ट टू, पहले देखो लेफ्ट साइड से कहां जा रहा है, राइट, अब इसका मतलब फिर यहां से चालू नहीं होगा, ये राइट से लेफ्ट आ जाएगा, दूसरा लाइन ऐसे छाप देता है। लेकिन एक बार में केवल एक कैरेक्टर छापेगा, इज अ कैरेक्टर प्रिंटर। कैसा प्रिंटर, प्रिंटर। और ये देखो क्या चीज छापेगा, पहला बात तो ये याद रखना है, जो सीपीयू इसको जो इंस्ट्रक्शन दे, पिन को थोड़ी पता है क्या निकलना है, पिन को पता है क्या मैं क्या क्या बनाऊं अगर उसको डी बनाना है और पिन का मन किया मैं सी बना देता हूं जा तो सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन देगा, सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन देगा वही क्या करेगा, ये कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। इसमें एक कैरेक्टर अनेक, एक कैरेक्टर को देखो अनेक स्टेप में पूरा हो सकता है, और लाइन की दिशा में प्रिंटिंग हेड आगे बढ़ता जाता है। प्रिंटिंग हेड में पिन कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा भेजे गए सिग्नल्स के आधार पर उपयुक्त स्थान पर डॉट बनाता चला जाता है। जैसा सीपीयू बोलेगा, जैसा सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वैसा वो डॉट बनाते चला जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड 30 से लेकर 600 कैरेक्टर, क्योंकि ये कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर, तो 30 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड में छाप सकता है। ये स्पीड याद रखना, 30 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड, 30 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड है। कई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइनों के दाईं से बाईं ओर तथा बाईं से दाईं ओर दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं। इधर से इधर छाप लेगा, फिर ये लाइन खत्म होगा तो इधर से इधर छाप लेगा। इसको डाल दूंगा ग्रुप में, अब ध्यान से देखो मेरे को, ये जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब हुआ जैसे इसमें लिखना है मेरे को ए, बड़ा ए, तो ये ऐसे छापेगा इसको, ये मेरे को फॉन्ट ए चाहिए था, मान लीजिए मेरे को छोटा ए चाहिए, ऐसे छापेगा उसको।
तो ये पहले से इसमें फॉन्ट नहीं होता है, जैसा वो सीपीयू इसको इंस्ट्रक्शन देगा छेदा रहेगा उसके हिसाब से वही पिन निकलेगा ना यार। बात समझना है, अगर वो बड़ा ए का इंस्ट्रक्शन देगा तो ये पिन ऐसे पिन निकलेंगे, और अगर उसको छोटा ए लिखना है तो पिन वैसे ही निकलेगा जिससे क्या बने छोटा ए। इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सीपीयू। तो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के आधार पर पिन निकलेगा, अपने इच्छा से निकलेगा तो बताए ना, कुछ का कुछ भी लिख देगा ये। तो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन से इसमें क्या निकलेंगे, क्या निकलेगा? पिन। इसमें से यही बोल रहा है, बड़ा फॉन्ट छोटा फॉन्ट, आपको फॉन्ट पहले से निर्धारित नहीं होता है, इसलिए भिन्न आकार और प्रकार के भाषा में कैरेक्टर ग्राफिक्स आदि क्या हो सकता है, छप सकता है। प्रिंटिंग हेड की मदद से कैरेक्टर बनता है जो कि कोड 01 के रूप में मेमोरी से, क्योंकि सीपीयू भेज रहा है कैसा भेजेगा, 01 के रूप में भेजेगा। प्रिंटिंग हेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होता है, कैरेक्टर डिकोड कर लेता है और मैट्रिक्स का आउटपुट स्पष्टता से फॉन्ट सॉलिड। देखो इसको डिकोड करना पड़ेगा, आपको 01 तो नहीं छाप के देगा, उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद जो बोलोगे वो उस फॉन्ट में छाप देगा। भाषा भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सीपीयू से। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग जो आपका जो हेड होता है उस यहां पर हैमर नहीं हो करके क्या होता है, पिन होते हैं। क्या होते हैं? पिन होते हैं। रिबन तो होगा ही, कागज तो होगा ही, ये पेपर जिस पर छापना है उसके पहले एक कागज रहेगा। ये कागज में छेदा नहीं रहता ना, वो ना तो तुम्हारे इस रिबन में छेदा नहीं रहता भैया, पिन निकलेगा पिन जैसा रिबन में मारा, जैसा पिन रिबन के ऊपर क्या किया, प्रेशर दिया, ये क्या हो जाएगा, छप जाएगा। अब मेरे को बताओ ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इससे कौन, इससे पहले कौन सा प्रिंटर पढ़े थे, इससे पहले आए? अच्छा चलो और आगे देखते हैं इसमें, पहले रुको, ये दूसरा ठीक है ठीक है। इसमें पहले ये देखो, ये भी एक प्रकार का कैसा कैरेक्टर प्रिंटर है, इससे पहले पढ़े वो भी कैसा प्रिंटर है, ये भी कैसा प्रिंटर है। क्वेश्चन तो यहीं से इसी पूछेगा डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या नाम है इसका, हेजी व्हील प्रिंटर। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं, एक व्हील के समान रहेगा, पहले जो शुरू में दिखाया था वही तो है, इधर देखो ये देखो ये दिख रहा है, ये पेपर है, ये क्या है, पेपर है, पेपर रोल होते जाएगा, ये नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये एक फड़फड़ 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 अपना जो कैरेक्टर को चाहिए वो कैरेक्टर को छापते जाएगा। ये देखो ये ऐसे घूमेगा, ये पूरा ऐसे एक लाइन पूरा ऐसे छाप लेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एक लाइन जैसे खत्म होगा ये क्या चल देगा ऊपर, फिर ये इस लाइन को छापेगा, ये यहां पर से, ये यहां पर से बटन मारते जाएगा, टप 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 मारते जाएगा, ठीक है। इसी को क्योंकि एक डेजी के फूल के समान होता है, इसलिए क्या नाम है इसका, पहले इसका फोटो देख लो तब तो ये समझ में आएगा, ये है। अब ये खुला इसी नहीं घूमते रहेगा, एक ऐसा बंद रहेगा, है ना भाई, पंखा चलता है तो पंखा को उससे काम है, ये ऊपर में कवर देता है ताकि तेरा मूड खराब हो तो अंदर मत डाल दे, है ना, हाँ वैसे ही इसको कवर में रखा गया ऐसा, ये घूमेगा घामेगा नहीं, ये ऐसी स्थिर रहेगा, जो करना रहेगा वो उसके लिए क्या रहेगा, मोटर रहेगा, वो रोल करते रहेगा और साथ में वो कागज का काम है। बीच में इसमें भी क्या रहेगा, एक रिबन रहेगा, इसमें एक एक स्पोक में एक एक ठोक फाउंट रहेगा, वो मारते जाएगा, ठाप ले र फिर मे और स रमेश ऐसा लिखाएगा, सुरेश ठीक है ऐसा लिखाता है। चलिए हेजी व्हील प्रिंटर, हेजी व्हील सॉलिड फाउंट वाला कैरेक्टर प्रिंटर है, जबकि वो कैसा था, उसमें सॉलिड फाउंट नहीं थे, उसमें क्या थे, नंबर ऑफ पिन थे, उसमें फाउंट नहीं थे, सॉलिड फाउंट नहीं थे, उसके जगह क्या था, पिनों का मैट्रिक्स था, पिनों का क्या था, झुंड था, ठीक।
वाला एक कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसीलिए दिया गया क्योंकि प्रिंटिंग हेड की आकृति एक डेजी फूल के समान है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी आउटपुट का जो स्पष्टता है अधिक उच्च होता है। किसकी तुलना में? अभी पीछे पड़े क्या? अरे भैया, इम्पैक्ट प्रिंटर बता, इससे पहले कौन सा पढ़े? बस डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में आपको जो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट कहाँ मिलेगा? कागज पर। वो उतना क्लियर नहीं रहेगा जितना ये क्लियर है। मारेगा रटाक से आर, एकदम स्पष्ट आर, ठीक है। फिर मारेगा ए, आर ए, उसका फिर ठपाक से मारेगा एम, राम। अब उसमें कैसे लिखाएगा? डॉट 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 आर, डॉट 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 ए, डॉट 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 एम। तो उसको देखना इतना ही, कई जना अंधरा अंधरा कुछ और देख देगा, एम को डब्ल्यू भी देख देगा, कोई ठिकाना नहीं उसका। बात समझ में आ रहा है? तो उसकी स्पष्टता और इसका क्लियरिटी, दोनों में कौन ज्यादा क्लियर होगा? इतना जोर से मारेगा ये एकदम स्पष्ट दिखेगा। तो इसकी क्लियरिटी क्या होती है? उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। इसीलिए इसका उपयोग पत्र आदि को छापने में होता है। ये क्वेश्चन ये आएगा। ये लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है, इज ऑल्सो नोन एज लेटर क्वालिटी प्रिंटर। तो किस प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहते हैं? याद रखना, डेजी व्हील प्रिंटर को क्या बोला जाता है? लेटर क्वालिटी प्रिंटर। इसका प्रिंटिंग हेड में एक चक्र या व्हील होता है जिसकी प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर, प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड फाउंड उभरा रहता है। व्हील कागज के क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल में क्या करता है? गति करता है। और छपने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील से घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा सा हैमर स्पोक से रिबन की ओर जाकर कागज पर टकराता है और अक्षर कागज पर छप जाता है। ये व्हील ऐसा, और इतना ही घूमेगा, इतना ये व्हील का काम है। व्हील कितना घूमेगा? यहां से यहां, जैसे टाइपराइटर करते थे, ये वाला वो जो आता है फिर ऐसे पकड़ के ऐसे धर ला के लेके आते हैं, तो ये व्हील इतना ही घूमेगा, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बस। बाकी जैसे ये लाइन कंप्लीट, एक एक कैरेक्टर छापता है, वो टाइपराइटर भी कैसे छापता है एक एक कैरेक्टर, वैसे ये भी एक एक कैरेक्टर को छापेगा। और जैसे एक लाइन कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक जैसे खींच के लाओगे कागज ऊपर चढ़ जाता है, वैसी कागज ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्पोक में क्या लगा रहता है? हैमर। वही को इसी को क्या बोलते हैं? क्या हेड, ठीक, फाउंड, सॉलिड फाउंड, इसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड फाउंड। जो ऊपर लिख आर, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले था ना, ये है सॉलिड फाउंड, ये दे, ये छप जाएगा, एक एक ठो पढ़ते जाएगा और छपते जाएगा, ऐसे ही पूरा व्हील में अलग अलग, ठीक है। ये कौन सा प्रिंटर हुआ? डेजी व्हील प्रिंटर।